राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ राधावल्लभ श्रीहरिवन् राधाल्लभ श्री वृंदावनेश्वरी प्रेमामृतैकमकरन्द प्रेमामृतैकमकरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापुमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतल माश्रया निर्वापय परम शीतल Mashrayam Radha Radha सच्चिदानन्दघन प्रेमानन्दस्वरूप नवनिभृत निकुञ्ज महामहिं परम पावन श्रीवृन्दावन धां के लाडिले युगलचन्द प्राणाराध्य श्रीश्यामाश्याम समस्त हित परिकर निज परिकर उद्देश्य निरंतर आंतरिक दृष्टि से दृढ़ करता रहे उपासक उद्देश्य जो बनाया सम्मत, शास्त्र सम्मत हमारा उद्देश्य संत सम्मत शास्त्र सम्मत और जो उद्देश्य बना अंतर दृष्टि से प्रतिपल उसको दृढ़ करना दृढ़ तभी होता है जब उसके विपरीतता का त्याग कर दिया जाए जो लक्ष्य बना है उसके विपरीत ना तो आचरण बने ना चिंतन बने और ना ही ऐसों का संग हो जो उद्देश्य के विपरीत जीवन जीते हैं ऐसों का संग ना हो अंदर से विपरीत चिंतन ना हो शरीर से विपरीत क्रियाएं ना हो तो हमारा उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा उद्देश्य दृढ़ होते ही दिव्य साधना का प्रादुर्भाव भगवत प्रेरित हो जाता है जो आप केवल निमित्त मात्र होते हैं और वो दिव्य साधना आपके द्वारा करा ली जाती है उसी से दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम सुदृढ़ वैराग्य स्थितियां आती हैं बुद्धिगत जो विषयों का त्याग पढ़ सुन के होता है वो स्थाई नहीं होता है न जाने कब बुद्धि हमारी फिसल जाए ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित पता नहीं हृदय में कब ये बदल जाए बुद्धि इसका भरोसा नहीं इसलिए जब तक भगवत चिंतन चल रहा है तो बुद्धि हमें फंसा नहीं सकती त्रिगुण माया का प्रभाव उसी के हृदय को प्रभावित करता है जहां त्रिगुणातीत श्री भगवान का चिंतन नहीं है प्रभु का चिंतन नहीं है यदि चिंतन हो रहा है और कुमार्गामी स्फुर्णाएं हो रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं वो नष्ट हो जाएंगे जिस दिन संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो गया उसी दिन प्रिया प्रीतम आपके हृदय में जो हैं वो प्रकाशित हो जाएंगे श्रीपाद कह रहे हैं अहो वृंदार ज्वलमदन गोपालवदनोल्लसच्चन्द्रा लोका द्वत् किमिहि लोका विरमत अयं मूर्धात्यद्धा सकलयलसिद्धा बुदयता पंच नाम पुरुषार्थे सुपरम अहो ये शब्द में होता है अहो कितना आश्चर्य में है ये वृंदावन अहो वृंदा रण्योज्वल मदन गोपाल वदनो मलिन अंतःकरण को वृंदावन की रहनी से रहने मात्र से वृंदावन परम उज्ज्वल बना देता है उज्ज्वल प्रेम है मलिन काम है उज्जवल अनुराग है मलिन राग है उज्ज्वलता गुणातीत है मलिनता गुणों के प्रभाव से है अर्थात जिसने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया संतों की रसिकों की वाणी के प्रभाव से अपनी सांसारिक रहनी को साधुता की रहनी में धाम की रहने में बदल दिया तो उसके हृदय में उज्ज्वल प्रेम रस वृंदावन प्रकाशित कर देता है इसी उज्जवल प्रेम रस के प्रकाश में मदन मोहन मोहिनी जू का साक्षात्कार होता है जब तक प्रेम प्रकाश नहीं तब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं होता ये वृंदावन मदन मोहन अर्थात काम को भी मोहित करने वाले यो जुगल सरकार हैं इनका साक्षात्कार कराने वाला प्रेम प्रदान करता है श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे अंदर ये वृत्ति क्यों नहीं है प्रश्न कर रहे हैं तुम क्यों वंचित तो हो इस सुख से किसके लिए क्या चाहते हो बहुत सत्य बात है हम सुख चाहते हैं हम चाहे संसार में लगे या प्रभु में लगे हमारा उद्देश्य सुख होता है मुझे सुख मिले आप देखो बिना इस चाह के कोई कदम नहीं रख सकता ना भगवत मार्ग में ना संसार के मार्ग में यदि हम संसार में अधर्माचरण करते हैं तो उसके मूल में सुख भोगने की लालसा होती है बुद्धि शुद्ध है तो धर्माचरण करते हैं उसके भी मूल में सुख भोगने की लालसा होती है और धर्म से परम धर्म जिसे भागवत धर्म प्रेम धर्म कहते हैं अगर हम इसकी भी प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुख प्राप्ति की लालसा से अंदर से देख लो सबके हृदय में सुख होना ही चाहिए कामना से ही कामना का त्याग करना है अधर्माचरण से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ ना होगा न हो सकता है क्योंकि भगवान सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ हैं वो स्वयं वर्णन करते हैं जो अधर्माचरण करता है भगवत विमुख है उसकी स्थिति क्या होती है बोले चिंता परिमे आम च प्रणयाता कामोपभोग एतावदिति निश्चिता श्री भगवान के ही वचन है जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से ये निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है उसकी मानवता भी चली जाती है दैवी संपदा भागवतिक गुण साधुता ये तो बहुत दूर की बात मानवता भी चली जाती है आप देखो अपने हृदय में जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी सब अपने हृदय में देखो कोई एक थोड़ी है कि एक की बात हो रही सब की बात हो रही भगवान के वचन है ना सर्वज्ञ हैं सर्वांतर सबके हृदय में निवास करते हैं सुख की लालसा से जिसने बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है और ये बात बुद्धि की मान ली उसकी मानवता का भी नाश हो जाता है जो मानव के आचरण है उन आचरणों से गिर जाता है जैसे कल किसी ने प्रश्न किया आप कहते हैं कि मांस मत खाइए अगर नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई तो खाएगा ही तो हम ही क्यों ना खा ले हम मना मनुष्यों को करते हैं राक्षसों को नहीं करते यदि आप राक्षस हो तो यहां आने की जरूरत नहीं है और हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है राक्षस को क्या मतलब साधु की बात सुनने की मान नहीं मात पिता नहीं देवा साधन ते करवा सेवा जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राप्त वो राक्षस हैं देखो देखो माता पिता का अपमान करते संतों की अवहेलना करते उनको भिखमंगा समझते हैं उनको झूठ समझते हैं असत समझते हैं मनमानी आचरण करते हैं और एक शब्द ज्ञान का है आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए आत्मा में परमात्मा रहता है अरे वारे ज्ञानी धन्य है न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र घात ये ज्ञान होगा ज्ञान तो हिरण कश्यप भी बहुत जोर का उपदेश किया जब हिरणाक्ष का वध हुआ अपने परिवार को पर उनमें से एक शब्द भी अपने आचरण में नहीं लाया अपने जीवन में नहीं लाया कैसी मंद बुद्धि हो गई आपका जहां जन्म हुआ है उसको कहते मानव देह और इसे देव दुर्लभ कहा गया है किसलिए देव दुर्लभ कि जिस सुख की खोज में हमारे द्वारा बहुत अधर्माचरण होते रहे उन अधर्माचरणों को भस्म करके अब नए ऐसे परम पवित्र आचरण करेंगे जिससे हमें वास्तविक सुख मिल जाए ये मानव इसलिए आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है हम जो चाहे करें तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए हमारे पास मत आइए आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी क्यों अवहेलना अवज्ञा स्वाद तो अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी भगवान ने उसने एक और बात कही हम नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे फिर सृष्टि में क्या होगा तुम बलवान और सुख भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हो तुम राक्षस नहीं हो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत सलाह दे रही प्यारे ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए और जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलता है वो किसी भी जीव से द्रोह नहीं करता किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता अपनी इंद्रियों के दुलार के लिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता वचन से भी फिर हिंसा आदि तो बहुत दूर की बात है ये अज्ञान में फंसे हुए प्राणी समझते नहीं प्रश्न उचित आप कहते हैं, मछली ना खाइए अगर नहीं खाएंगे तो रोडों में मछली घूमेगी मतलब कैसी कैसी बुद्धि है कैसी बुद्धि सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए उसका अवतार हुआ है वो जो कह रहा है ना मछली के भैया तीन लीलाएं हैं सृजन पालन संहार और संहार करता बहुत प्रवीण है कर्मों के अनुसार सबको एक बैच में ले आता है जिसका संहार करना होता है और एक सेकंड में अरबों का संघार एक सेकेंड ये उसका काम चल रहा है अगर तुम उसी के पार्षद हो तो संघार लीला में सम्मिलित हो जाओ अगर तुम मुक्त होना चाहते हो दुखों से संकटों से चिंता से जन्म मरण से तो सही आचरणों में आ जाओ हमारी प्रार्थना हमारा उपदेश केवल आपको दुख रहित करने के लिए है आपको डांटने के आपको कड़वे वचन बोलने का उद्देश्य केवल जैसे माँ अपने बच्चे को सुधारना चाहती है बस वैसे भाव से लेना न देना मगन रहना बस आप आए हैं तो हमारी बात सुन लीजिए और इसे मान लीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे बस आपने गलत जगह सुख मान रखा है श्री भगवान के वचन है चिंता मपरिमेयांश प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोग एता वदित निश्चिता जो भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करके उतर गया भोगों में तो उसकी मानवता नष्ट हो जाती है वो असुर राक्षस बन जाता है ये अच्छे से समझिए आप अगर अब आपके अंदर राक्षस भाव का प्रादुर्भाव हो गया है तो आप भाव की बातों की निंदा करेंगे महत अपराध आप वही कार्य करेंगे जिससे आपका पाप बढ़े और पाप का परिणाम दुख चिंता नाना प्रकार के क्लेश वह जो मानवता खो चुका है वो केवल कामोपभोग परायण रहता है ऐसे गंदे पदार्थ पीना गंदा भोजन पाना और गंदा संकल्प करना और गंदी क्रियाएं करना वो केवल पाप ही कमा रहा है उसका उद्देश्य होता है अधर्म के द्वारा चोरी के द्वारा हिंसा के द्वारा धन इकट्ठा करना और उससे मनमानी भोग भोगना जो उसके इस भोग में बाधा पहुंचावे इस लक्ष्य में उसका नाश करने की सोचना हिंसा कर देना यह कर्तव्य है यह लक्ष्य है उसके चित्त में नहीं रहता श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं तो भगवान हृदय में सबके बैठे ऊपर से तुम मुस्कुरा के बात करो तो उनसे थोड़ी छुप जाएगी वो अंतर में अंतरयामी बैठे वो बोल रहे चिंताम च अपरिमित एक दो चिंताएं नहीं चिंताओं की बाढ़ लग गई उन चिंताओं से उसका हृदय जलता रहता है भयभीत होता रहता है उसे कभी भी कहीं भी किसी काल में किसी लोक में शांति नहीं मिल सकती भगवान कह रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांता अनेकों प्रकार की वासनाएं उसे भ्रमित करके फंसाती रहती है मोहजाल समावृता ऐसा ज्ञान का जाल बंध जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता उसे समझाओ कि भाई ये सब छोड़ दो गलती मान लो प्रभु की शरण में हो जाओ तुम्हारा मंगल हो जाएगा वो तर्क रखते हैं ऐसे तर्क रखते हैं जिसमें हंसी आती है जैसे कोई बालक बोले ऐसे वो बोलते हैं ये मोह जाल में जो फंसे हुए लोग हैं ये केवल भोगों में ही सुख मानते हैं इनका चित्त कभी एकाग्र नहीं होता विभ्रांत भटकता रहता है ऐसे को कभी शांति मिल सकती है ऐसे को कभी सुख मिल सकता है भोग सुख चाहे जितना तुम भोग लो कभी शांत और सुखी नहीं हो सकते बात समझ लीजिए इंद्रिया जब तक भोगों को भोग रही हैं तब तक तुम जलते रहोगे अशांत रहोगे क्यों कामना स्त्रिया वासना तृष्णा ये जाल तुम्हें बांधता चला जा रहा है इस तथ्य को उनमें समझने की ताकत ही नहीं रह गई है <laughs> बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी रची ब्रह्मा जी ने एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी सृष्टित्व कैसे चलेगी सब ब्रह्मचारी हो जाएगी आप देखो तो ब्रह्मचर्य का और अपने धर्मानुसार साथ में वचन कहे गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतान उत्पत्ति की तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो वो समाज सेवी जन कल्याण करने वाले देशभक्त भगवत भक्त ऐसे होंगे ऐसा नहीं कि पुत्र ही देश समाज सेवा की योग्यता रखता है या भक्त बन सकता है ऐसा नहीं हमारे देश की राष्ट्रपति है नहीं वो भी तो किसी की पुत्री ही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुत्र में ही ऐसी योग्यता है नहीं राष्ट्र सेवा भगवत सेवा हर सामर्थ्य उसमें विराजमान है जो भगवान का अंश है पोशाक स्त्री की हो या पुरुष की इससे कोई मतलब नहीं और जो संयम में नहीं है ना उसमें कोई योग्यता होती है ना देश सेवा की योग्यता रह जाती है संयमी पुरुष ही महान से महान कार्य कर सकता है कुमार्ग में सुख नहीं है ये हृदय में बैठा लीजिए ये इतना माया का प्रलोभन प्रबल है कि सत्संग के सुने हुए वाक के अंदर आएंगे भगवत प्रेरणा से कि देखो वहां ये बात कही गई थी आप ऐसा ना कीजिए पर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपके अंदर बल नहीं रह गया है बल नाम बल हरिवंश नाम बल लहो ये बल है यदि एक क्षण भी नाम ना छूटे तो आप महाबली हो जाएंगे बाहर के जो बल शारीरिक बल है इससे अंदर के शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त की जाए बहुत आप कुश्ती लड़ लेते हो काम से लड़के दिखाओ मारो धोबिया पछाड़ भाग जाए कभी आवे ना है कोई वीर कोई वीर नहीं वो जब धोबिया पछाड़ मारेगा तो आप चाहे जितने बड़े बलशाली हो आपको घुटने टेकने पड़ेंगे ये माया के महाबली पहलवान है काम क्रोध क्रूद मद मत्सर अगर इनको कोई परास्त कर सकता है तो नाम जापक केवल नाम जापक केवल नाम बात समझ लीजिए रोज चर्चा इसी बात की होती कि नाम श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं चिंता दुख शोक अधर्माचरण ये सब दूर हो जाएंगे अब तुम नाम गहो मन नागर नागर मन चतुर होता है प्रवीण होता है बड़ा प्रवीण है मन देखो कैसे फुसला के हमको भोगों में फंसा दिया कैसे फुसला के अधर्माचरण करा देता बड़ा है बड़ा प्रवीण है सूरदास जी कहते तुम्हारी प्रवीणता मन इसी बात में है कि तुम नाम पकड़ लो प्रभु का अब तुम नाम गहो मन नागर जाते काल अग्निते बाचो सदा रहो सुख सागर सदा रहो सुख सागर मन तुम सुखी ही तो चाहते हो ना पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रियों से जो तुम अधर्माचरण कराकर भोगों में सुख ढूंढ रहे हो बड़े प्रवीण बनते हो क्या आज तक तुम सुखी हुए तुम्हें विश्राम मिला नहीं मिला अब मेरी बात मान लो पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते नख सही हो अब लो नशानी अब नाम सही हो बहुत बड़ी हमें सिद्धि मिल गई मानो चिंतामणि मिल गई चिंतामणि चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली क्या बोले नाम कहां रखना है बोले उर करते हृदय रूपी हाथ में नाम रखना या राधा 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 अब तुम संबोधन करें बहुत कुछ कर लिया अब नाम गहो मन नागर अय चतुर प्रवीण मन अब तुम नाम राम ही भजे ते चतुर वही प्रवीण है जो वस्तु व्यक्ति आकर्षण व्यवहार क्रियाएं इनके करते हुए नाम जब चला रहा है क्या होगा बोले कालाग्नि तुम्हें आंच भी नहीं पहुंचा पाएगी और सदा सुख सागर में डूबे रहोगे परम सत्य परम सत्य शरीर चाहे जितनी रोग के प्रभाव से पीड़ा में हो पर यदि नाम चल रहा है प्रभु का चिंतन चल रहा है तो तुमसे सत्य कहते हैं सामर्थ्य नहीं किसी पीड़ा की, की व्याकुल कर दे नहीं काल रूपी अग्नि का ताप भी आपको स्पर्श नहीं करेगा कई बार बताया है कि जो नाम जापक है उनका जब शरीर छूटता है तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जन्मते और प्राण त्यागते समय महान दुख होता है वो दुख उसे नहीं व्याप्ता जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला मोगरा की माला टूट के गिर जाए पता भी नहीं चलेगा ऐसे शरीर छूटता है भक्तों को उनको कोई पीड़ा नहीं होती मारी न सके जिसकी जिभ्या पे निरंतर नाम चल रहा है कोई उसे मार नहीं सकता काल भी हां शरीर का परिवर्तन हो जाएगा वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव की समीप पहुंच जाएगा पर उसको ऐसा जैसे स्वप्न स्वप्न में जैसे देखा सो गया और मैं अमुक जगह पहुंच गया ऐसा कोई पीड़ा नहीं कोई यमदूत नजदीक नहीं आएंगे कोई कष्ट नहीं सहज में ऐसे ही बस इस शरीर का विस्मरण और भगवत देह की प्राप्ति और धाम प्रवेश कोई कष्ट नहीं मारी ना सके नाम जापक को कोई मार नहीं सकता ना मृत्यु न काल बस शरीर का परिवर्तन होना है क्योंकि एक बिल्कुल परम सत्य समय है उसका जितने वर्ष जितने सेकेंड जितनी श्वासें उसके आगे वो बढ़ा नहीं सकता पर उसको जो शरीर छूटने में महान कष्ट हो वो नहीं होता है वो आनंद मगन होकर विस्मृत शरीर भगवत देह की प्राप्ति धाम एकदम कोई कष्ट से नहीं होता बिघन नहीं ग्रासय नाम जापक को कोई भी ग्रह नक्षत्र कोई भी शुभ अशुभ विनायक ये विघ्न नहीं डाल सकते वल्लभ भजत भज भली भली सब होए जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई विघ्न करे नहीं कोई डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप हरष हरिनाम जपत जय कोई भी विघ्न नहीं अन्य आश्रय न लेना उपासना का प्रारंभ भगवान के बहुत स्वरूपों बहुत विग्रहों से होता है और उपासना की स्थिति जब रंग लाती है तो अपने आराध्य देव के ही नाम रूप में आशक्त हो जाता है फिर वहां चिंता की जरूरत नहीं कि अब तो हम ये उत्सव आ गया अमुक देवता का उत्सव आ गया अमुक आराधना का तो चार दिन इनकी भी आराधना कर लेते हैं नहीं अपने आराध्य देव में स्थित रहोगे तो जितने भी स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि एक तत्व है स्वरूप बहुत है हितधाम में जब सत्संग हो रहा था तो एक बार एक रसिक जन आए थे रसिक इस ले जो रस की उपासना में है लाडली से अपनापन करते हैं तो उन कहा था कि एक हमारे मन में प्रश्न है और उसको संकोच के कारण कर नहीं पाते पर आज उत्साह हुआ है एकांतिक में आम आपसे प्रश्न करते। उस समय एकांतिक एक दो से ही होता था सब बार बैठो एक दो जिसका है प्रश्न उसका उत्तर फिर जाए तो उनका कि जब हमें भय का अवसर आवे तो हनुमान जी की आराधना कर लेते हैं जब कामना पूर्ति की इच्छा होती तो देवी जी की आराधना कर लेते हैं और अपने लाल तो है ही है भोग लगाया आरती तो पर लाल को क्या समझा है खिलौना समझ लिया है अनंत शक्तियां जिनकी आज्ञा पे रहती वो लाड लीजिए आप क्या जानते हम कई बार नहीं सुना बरसाने के गहवर के संत की कथा कि एक सिद्ध काली जिस राजा को थी वो आए और हटो हटो राज कर्मचारी कह रहे हैं राधा राधा मस्त पड़े जितने मधुकरी पाए छाया थी से गहवर वन की सांकरी गलिया हैं राजा ने एक साष्टांग दंडवत की दूसरी तीसरी ऐसे ही भैया हो गया है राधा राधा एक बार कर ली तो बोले कोई श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, फिर बोले हमें भद्रकाली सिद्ध है और हम जिसे संकल्प करके एक बार साष्टांग कर लियो, फट जाएगा वो पर आपको कुछ नहीं हुआ तो तुम जिंदगी भर करते रहो कुछ नहीं होगा बोले तो तुम किस देवी की आराधना करते हो अब ठसक है इष्ट राधा महारानी निकुंज देवी उनका राजन तुम्हारी पहुंच नहीं है ना तुम्हारे इष्ट की पहुंच है जो हम जिस निकुंज देवी की आराधना करते हैं वहां सोहनी लगाने का भी अवसर नहीं है जाओ लाडली जी के महल में जाओ देखना सीढ़ियों में वो दृष्टि प्रदान की वो उपासक था देखा कि गंगा यमुना आदि जो दिव्य नदियां नर्मदा ये सब श्री जी की सीढ़ियों में जल डाल रहे हैं और आदि शक्ति आदि ये सब सीढ़ियां महारानी जी के अंश से ही सब प्रकट प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो अगर हम लाडली जी की आराधना कर रहे हैं सब तो देवियां प्रसन्न हैं। अगर हम लाल की आराधना कर रहे तो सब भगवत स्वरूप प्रसन्न है कोई छोटा बड़ा नहीं प्रभु ही है पर जैसे राम जी को देखते ही परशुराम जी घुटने पे बैठकर प्रणाम किया और उनको अस्त्र देकर के उनसे अनुमति मांगी प्रभु अब मैं समझ गया तो वो भी भगवान है ये भी भगवान देखो उस समय परशुराम जी की स्थिति क्या है जिन्होंने महाबल का दर्शन कराया पूरे संसार को है, है वंश का विनाश कर दिया जिन्होंने उनके पिता जमदंग जी के साथ अभद्र व्यवहार किया स्वयं भगवान है परशुराम जी लेकिन वही भगवान जब श्री राम जी के रूप में तो देखो छोटे बड़े नहीं हैं वही भगवान है पर लीला का दर्शन करो ऐसे ही समस्त शक्तियां हमारी श्री लाडली जी के अंश से हैं ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें अन्य आश्रय लेना पड़ेगा भय निकालने के लिए अन्य आश्रय लेना पड़ेगा कामना पूर्ति के लिए नहीं नहीं महाबल है हमारी स्वामिनी जो आपको पता नहीं सब शक्तियों के पास दिव्यास्त्र है और महाबल है और प्रभु की शक्तियां हैं लेकिन प्यारी जू की भ्रहकुट के आगे किसी की नहीं चलती है अब अलग अलग हैं एक लटपास भ्रकुटी मंद मुस्कान अखिल बलशाली अखिल शक्तियों के स्वामी लालजू महाराज अधीन हैं निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन अतिया लाल अलिलंपट बस मूलन समस्त शक्तियां भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है स्मरण के आद्याशक्ति महाशक्ति प्रकट हो गई जाओ बलराम जी विराजमान है वह अभी उधर में कर्षण करके रोहिणी जी के घर में और तुम स्वयं जाकर यशोदा कन्या होने की लीला करो ऐसा ऐसा होगा ये ये नाम होंगे तुम्हारे तुम्हारी आराधना से सबकी कामनाएं पूर्ति होंगी भगवान कह रहे भगवान आदेश करे भगवान की शक्तियां हैं सब महाशक्ति भगवान और स्वयं भगवान बने हुए भगवान ही दुर्गा भगवान ही काली वही कृष्ण वही काली विविध रूपों में तो जब हमें प्रभु के इस रूप की आराधना करने का अवसर मिला जो मूल सबके अवतारी हैं युगल सरकार अब मन वचन कर्म से अनन्य हो जाना है यह नहीं डरना है कि अब अवसर आया तो वहां जल चढ़ा दिए ये प्रारंभ की साधना थी अब तो अनन्य व्रत और इसी अनन्य व्रत से वो प्रभु को अधीन कर लेता है और उस महासुख को प्राप्त करता है जो कहीं किसी भी साधन में नहीं है ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ वस्तु है पर अनन्यता बहुत सरस होती है अनन्यता को ना समझने के कारण अनन्यता को कट्टरता में ले आते हैं जिससे कठोर वाणी से और चेष्टाओं से वो अज्ञानी है अभी समझ नहीं पाया कठोर बे, व्यवहार कट्टरता ये नहीं होती अनन्यता में भगवत अनन्यता में सरसता और दैन्यता और मृदु व्यवहार होता है ये जो अनन्यता को आगे रख करके कठोर व्यवहार करते हैं कड़वा वचन बोलते हैं या हिंसा करते हैं अज्ञान में है वो नहीं जानते अनन्यता का स्वरूप अनन्यता बहुत बड़ी सिद्धि है भक्ति मार्ग की अनन्यता बहुत बड़ी उपलब्धि है धन्य है वो महापुरुष जो अपने आराध्य देव में अनन्य है गोस्वामी जी संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता भी है। हर मार्ग का उनको ज्ञान है पर जब अपने आराध्य देव की बात तो कहती बने तो रघुबरते बने बिगरे तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में बे पे धूर क्या ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को कि सृष्टि में कोई और कोई है क्या वो पहले कह चुके सी राम में सब जग जानी उनको पता है पर सब सी राम में है ये पता है पर सिया राम मेरे जैसे मां जैसी और मां सब में भगवत स्वरूप पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया प्रिया प्रीतम आ भी नहीं सिर्फ पूर्ण विघन न ग्रासय तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा कोई परास्त नहीं कर सकता राधा 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 विश्वास करो जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करें का नवग्रह रंग अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो और बहुत अनुकूल ग्रह हैं पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा जम न चढ़ावे कागर जिसकी जिभ्या में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानो जिसकी पे नाम चल रहा है अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था गए भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं पर वो दिव्य ऐसे देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो तुमने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी वो कौन थे क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है तब कहा था यम जी ने कि हम तो एक लोकपाल हैं अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले याद कर लो जिसके गले में कंठी बंधी हो वो नाम जब तो भूल के पास मत जाना हम भी उनसे डरते हैं तुम तो हमारे दूत हो अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए तो जो थोड़ा भी नाम जब करता हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है और आप बैलिश लीला में वृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा उसको हम देखेंगे तुम नहीं जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण तो पार्षद आ गए मेरे स्वामी का नाम नारायण तू कैसे ले जा सकता काट दिया यम पास ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखिया इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा हरि जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लाल जो महाराज हैं भगवान शिव इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता एकांतिक रस है यहां तो महाप्रेम का स्वरूप है यहां भगवान के भगवत्ता ईश्वर्य का भी प्रवेश नहीं न न खलु हरिभक् ये तो बड़ा अद्भुत सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश करें प्रिया जू चरण दास्ता की ठसक अम जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए आंख उठा के मत देखना तुम्हारे हिसाब में वो नहीं उसका हिसाब मैं करूंगी और सखिया प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति हैं युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र के मंगल में है कृपा रूप जो वप धर लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो सहचरी रूप हुआ वो हित सजनी रूप हुआ वो ललिता रूप विशाखा ये सब सखिया श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है तो मारी ना सके घन नहीं ग्रास है जमन चढ़ावे कागज कागज मतलब रजिस्टर कागज में नहीं लिखते यमराज किसके जिसके मुख में नाम चलता होता है मान लो नाम के आगे कुछ नहीं है नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो प्रार्थना मान लो और साधन बने करो भाई पर नाम न छूटने पावे नाम नाम क्रिया कर्म करता हूं निशिवा सर भक्ति को पंथ उजागर कोई भी क्रिया करो कोई भी नाम चल सकता है बड़ा चमत्कार नाम में है मान लीजिए आप अद्भुत चमत्कार है ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते आंतरिक चमत्कार काम शांत हो गया अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई कोई भी द्वंद अब तुम्हें विचलित नहीं चमत्कार हो गया अनंत जन्मों की विकृति शांत हो गई अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए शांत हो गए आप त्रिभुवन विजेता हो गए त्रिभुवन विजय, षड विकार विजय प्राप्त कर लिया त्रिभुवन विजेता हो गए किसने करवाया ये नाम ने। नाम पक्का एक महापुरुष कह रहे थे वृंदावन के रच के प्रभाव से में सत्य कहते हैं कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया केवल नेत्रों में राधा नाम राधा राधा बिल में जिधर देखे राधा छा गया था राधा 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 विश्वास नहीं होता इसलिए पहले उन्होंने कहा था सत्य कहता तो हूं विश्वास कीजिए अभ्यास में और कृपा में दोनों में अपार सामर्थ्य कृपा से अभ्यास अभ्यास से कृपा का अनुभव राधा 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 कह रहे थे कोई ऐसा दिन नहीं कि महापुरुष नामे अंतर में एकांतिक में आंतरिक बड़े बड़े महापुरुष राधा नाम के प्रभाव से महापुरुषों को उसके वचनों से ही तो गरजने का सौभाग्य मिला है उनकी अनुभूतियां और उनके प्रसाद से उनकी बताई हुई युक्तियों से जो बल आया वही बल तो प्रसाद रूप से अपने सबको मिल रहा है अपने स्वीकार करें मारी न सके बिघन नहीं ग्रास जम न चढ़ावे कागर क्रियाक्रम करता हो निश्चय कहीं भी तुम कुछ भी क्रिया कर रहे हो देखो तार्किक लोगों के लिए नहीं ये आस्तिक और विश्वास करके वचन स्वीकार करने वालों के लिए अध्यात्म है तर्क में तो कभी विश्राम है ही नहीं करते रहो क्यों 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 कभी खत्म ही नहीं होगा आपके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं लेकिन अगर मगर क्यों ये शब्दों का प्रयोग श्रद्धा में नहीं होता श्रद्धा उसे कहते सुना और मान लिया सदन जी का कुल परंपरा से कार्य था जो मानस विक्रय करना वो करते खूब नाम जप करते बड़े सिद्ध महापुरुष हुए उनकी क्रिया थी वो कर रहे कुछ भी क्रिया जो आपको आपके धर्मानुकूल नाम जप कर रहे हैं, आप पक्का सिद्ध हो जाएंगे देखो तो एक महापुरुष चमड़ा खरीद के लाते धोते सुखाते काट कर जूतियां बनाते चौराहे पे और ऐसे सिद्ध महापुरुष बड़े बड़े सिद्धों के चमत्कार उनके आगे नहीं चलते थे ऐसे क्या था मुख में नाम था और सेवा चल रही जो प्रभु ने दी सेवा स्वपच वाल्मीकि राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर जी की क्या सेवा थी सबके दोनों पत्तल उठाना ऐसे एक हाथ में सोनी एक हाथ में डलिया और इतने महाभागवत नाम जापक कि राजसुई यज्ञ की, राजसु की पूर्णता उनसे हुई ये बात आंतरिक समझनी है जो भी क्रियाएं हैं जो आप धर्मानुकूल क्रियाएं वो कोई छोटी बड़ी नहीं है संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं सेवा ही हैं अपने धर्मानुसार सेवा करते हुए क्रिया करते हुए नाम जब आदेश कर रहे हैं क्रिया कर्म क्रियाकर्म निशिवासर ये भक्ति को पंथ हो जागर आप कार्य करते हुए नाम जप करते इसका अभ्यास किया जाता है जैसे कोई आर्मी में सेना में जाने के लिए पहले महीनों और कह दो तो सालों दौड़ लगाता है अपने शरीर को पुष्ट करता है वहां की बातें सुनता है कि क्या कितनी ऊंचाई की कूद कितनी लंबाई कैसे कैसी वो सब अपने को फिट करता है ऐसे ही सत्संग भगवत पार्षद पद में आपको बैठा लेगा सबसे बड़ा पद है हरिदास पद तो अब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है अभ्यास किसका नाम जब का ये बहुत मतलब हृदय की बात कह रहा हूं विश्राम है यह अब कुछ नहीं रह गया और एक ही बात रह गई मान लीजिए नाम बहुत योग साधन मंत्रों का अनुष्ठान कई वर्षों अन्न न पाना बहुत बहुत सी लीलाएं जो भगवान आदेश प्रेरणा करते रहे उन सबको देखा है साधन मार्ग को देखा है ऐसा नहीं कि वह व्यर्थ जाता है नहीं उसी से इतनी जोर की बात समझ में आई है कि उपासक को अन्यत्र समय बर्बाद नहीं करना चाहिए नाम में लग जाना चाहिए ये पूरे जीवन के साधन मार्ग में चलने की बात समझ में आई है पक्का भगवान की गुरु की कृपा से उपनिषदों का भी स्वाध्याय दर्शन योग वाशिष्ठ बड़े बड़े महापुरुषों के अष्टावक गीता ये बड़े बड़े सब फिर वो सार बात नाम आया है सार बात आई है और ये बड़े महापुरुषों की बात नाम सोच विचारी सकल श्रुति सम्मति सूरदास भी कह रहे ये बहुत सोच विचार के मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा देखो बात और समस्त वेद पुराण शास्त्रों की सम्मति हरते और ना अगर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है अगर है तो वो नाम है कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सक नाम गुण गाई सच्ची बात सच्ची बात भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है अहो भाग्य है प्रणाम योग्य है सतरत सतरतोकाम लोकांतारेति जिसके हृदय में बात बैठ गई कि भाई अब तो सब तस हरी भी नाम अब तो क्या, है क्या साधना है क्या कोई साधना नहीं नाम नाम कीर्तन गुड़ कीर्तन नाम जपना शरीर है तो जो चेष्टाएं हो रही जो चेष्टाएं खेती बाड़ी व्यापार नौकरी सब में नाम चल सकता है अभ्यास इस बात का किया गया है भूखे रहकर प्रसाद पाकर सर्दी में गर्मी में चलते हुए मेहनत करते हुए अभ्यास गुरु आश्रम में बहुत मेहनत शारीरिक पर नाम ना छूटे जो सेवाएं थी खूब सेवा बहुत ऐसे लता पता घेरना और पाइप से पानी भर भर कर बाल्टियों से हजारों बाल्टी पानी हजारों चलाना नई अवस्था ऐसा पूरे में सब में सोहनी लगाना गुड़ाई करना मेहनत का गुरुदेव भगवान जैसा मेहनत का बस ये ना नाम ना छूटे हर डंडे पे ऊपर नीचे नाम चल रहा है बात किसी से नहीं करना बाल्टी के नाम चल रहा है जल डाल नाम चल रहा अभ्यास कठिन से कठिन कार्य करते हुए नाम गंगा जी किनारे काम हम दौड़ लगाते स्वाभाविक एक तो शरीर के लिए और दूसरे नाम अभ्यास दौड़ने पे धीरे चलने पे बैठने पे प्रसाद पाते समय लेटे हुए नाम नहीं छूटे तो ऐसे उपासकों पर फिर कृपा उतरती है तो हृदय की धड़कन नाम पकड़ लेती है नाम हृदय को हृदय नाम को आप निहाल हो गए आप तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम मान लीजिए प्रार्थना अपार बल सामर्थ्य सिद्धियां सब कुछ नाम में है सब कुछ मार न सके विघन नहीं ग्रास यही तो सब चाह रहे हैं कोई विघ्न ना आवे कोई दुख ना आवे कैसे सत मार्ग को भूलकर कर असत चेष्टाओं से कैसे सुख पा सकते हो कैसे पा सकते हो समझ में नहीं यार कोई पैसा नहीं लगता मार्ग के लिए धन का कोई महत्व तो नहीं आप सच्ची समझ लो उसकी आसक्ति मिटानी है वो बात है कि यहां भाई ठीक है सत मार्ग में इसका इससे नहीं खरीदा जा सकता नहीं जो धनी लोग हैं ना वो मार्ग को खरीद लेते हैं शतमार्ग चिंतन प्रधान होता है और उसमें धन की जरूरत नहीं अब राधा 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 इसी से सब मिल जाएगा क्या तुम्हारे ये हमारे पास पैसा नहीं हमारे पास ये नहीं हमारे पास है। तुम्हारे पास जब प्रभु आ जाएंगे तो क्या खाली रह जाएगा महालक्ष्मी पड़ी रहेगी आपको इच्छा नहीं होगी कि मुझे ये सांसारिक भोग ब्रह्मादिक के भोग सब विश्रम लागत है घर में पड़ी रहेंगे जगत माता है वैभव इतना आ जाएगा अगर आप चाहेंगे पर नाम रूपी पहले धन कमाओ कमाया तो है अधर्म पापाचरण रूपी और आप उसका परिणाम होता है दुख जब आ रहा है तो भगवान को कोस रहे हो और सोच रहे हो कहीं ले दे के सुख मिल जाए ऐसा है विचार वो ऐसा समझते हैं कि तीर्थ में जाके ऐसा करेंगे ऐसा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे दुख नष्ट हो जाएगा हमारी कामनाएं नहीं होगा मान लो एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर सकता दुखों को मिटा सकता वो केवल नाम और जो भजन नहीं करता तीर्थों में भी जाकर के पुण्य नहीं कमा पाता उससे पाप बन जाते हैं क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं होती सोच विचार सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहा हूं खूब सोच विचार के कह रहा हूं और सकल श्रुति सम्मति शेष जितने भी शास्त्र पुराण है उन सब का सार कह रहा हूं मेरा विचार शास्त्रों का विचार हरी से बड़ा कोई और नहीं है और हरि को अधीन कर ले उसको नाम कहते हैं नाम हरि का नाम सूरदास प्रभु इही औ भजी सब उतरी चलो भव पार खूब सोच विचार के कह रहा हूं शास्त्र सम्मत कह रहा हूं सबका सार एक ही बात है कि हरि का नाम अपनी जिभ्या में बैठा लो और सब चलो उतर चलते हैं इस दुख में बहुत समुद्र से आप चिंता शोक नाना प्रकार की दुर्वासनाएं इनसे तभी पार हो सकते हैं नहीं तो चिंता मपरिमेयाम च प्रलता है तुम्हारा प्रलय माने होता नाश ये तुम्हारा नाश कर देंगी चिंताएं क्योंकि तुम अधर्म आचरण में देखो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम होती है जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो चिंता ही चिंता है मतलब तो कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां से या खुद चल दो यहां से नहीं समझने वाले है लोग सत्य मानते हैं भोगों को सत्य मानते हैं संसार को बस अगर वो संत के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं या भगवान के मंदिर में शिविक तो वो वही अपनी चिंताओं की पूर्ति चाहते हैं देखो जितना मिला है उतने में तो तुम्हारी चिंताएं मिटी नहीं और बढ़ जाएगा ना तो भयंकर चिंताओं से युक्त हो जाओगे यहां सुख नहीं है यहां से जाना है आज नहीं तो कल जाना है जब जाना है तो सम रहो सम जो दुख सुख लाभ हानि जय पराजय चुपचाप सह जाओ नाम जप करो आगे परमानंद प्रकट हो जाएगा ये हमारी बुद्धि ये हमारा मन बहुत धोखा दे रहा है जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो दो चीजें उसके सामने माया फेंकती है भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन भगवान के मार्ग में प्रलोभन और प्रतिकूल वो अंदर से देखती टूटेगा किसमें प्रलोभनों में तो टूटने में वाला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सब वैभव है छोड़ के भजन में चल रहा है तो विपरीतता प्रतिकूलता इसमें तो भागेगा नचकेता को जब उनके पिता ने उन्हीं के उत्सव में गौ में वो बांट रहे थे पिता उनके ब्रह्म ऋषि थे तो नचकेता ने देखा दूध देने वाली बड़ी स्वस्थ गौं वो तो गौशाला में रखे हुए हैं और जो बहुत ही छीरकायस जिनमें दुग्ध भी नहीं ऐसी गौं दान करो का पिताजी ये गौं आप कैसे दान कर रहे हैं गौशाला में तो बहुत सुंदर दुग्ध देने वाली गौं आप ब्रह्म ऋषियों को ऐसी गवे दान कर रहे हो नवीन अवस्था थी पिताजी ने पहली बार समझाया कि जो मैं कर रहा हूं उस पर आप हस्ताक्षेप मत करो ये जितनी गौं अच्छी रखी वो तुम्हारे लिए रखी तुम तो कहा कि ये उचित तो नहीं है दान उस वस्तु का करना चाहिए जो सबसे अच्छी लगे और यहां उल्टा होता है ना जिसे देखा है जो सुपारी वगैरह दुकानों में रखते हैं जनरल स्टोर कहते हैं हाँ उसमें जैसे गए वह सुपारी दे दो नारियल दे दो वो समझ जाते हैं सर तो भगवान के लिए चाहिए पूजा के लिए हाँ वो अलग रखी रहती है क्योंकि जो स्रोतों में कटने पर जरा भी काली हो ऐसी होती है तो लोग फिर वहां पर तो वो जान जाते हैं हल्की हो जाती है ऐसे बेकार वाली वो एक अलग पात्र में रखी रहती है और वो बढ़िया वाली अलग रहती है वो सुपारी दे देंगे जो किसी मनुष्य के भी काम में आने वाली नहीं नारियल पानी सूख गया है पता नहीं अंदर है उसमें कि कुछ नहीं बजाओ तो कुछ सुनाई नहीं देता बस वो नारियल सूखा ऐसा और जो कपड़ा है वो ऐसा कि किसी प्रयोग में ना है पूजा का कपड़ा पूजा का नारियल पूजा की सुपारी ये अलग होती है जो कहीं नहीं चलता वो भगवान में चल जाता है ऐसे नहीं ऐसे नहीं। क्या तुम कपट करते हो छलिया छल चल करते हो हमारे प्रभु तो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप ये दो वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तिया प्रयक्षती एक चुल्लू शुद्ध जल भाव से आंसू बाते प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं कोई आप ये जल सु भगवान कहते हैं और में उसे पा लेता हूं एक तुलसी दल बढ़िया एक फूल बस आशुओं से अब हे नाथ मुझ गरीब के पास आपको रिझाने के लिए कुछ एक कोई फल देखो लेकिन अपने लोग बड़े चतुर हैं अगर कहा जाए जो सुपारी वे सब लिए आप खा के दिखाओ नहीं भगवान के लिए नहीं ऐसा नचिकेता जी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए आप ब्रह्म ऋषि पिताश्री ऐसी गायें जो किसी अब कार्य में नहीं आएंगी वो आप दान कर रहे हैं और ये गायें मेरे लिए रख रहे हैं तो मेरे को किसके लिए बोले यमराज के लिए जा यम को प्राप्त हो अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो एकदम ऋषि थे आवेश में अब चूंकि उनका कोई अपराध नहीं था और बहुत ही तप युक्त थे तो सशरीर यम लोग पहुंच गए वहाँ जब गए तो यमराज जी ब्रह्मा जी की सभा में गए थे जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब बैठक होगी तो सबको जाना पड़ेगा और जब देश की होगी तो मुख्यमंत्रियों को सब प्रधान ऐसे ही ब्रह्मा जी प्रधान है सृष्टि के परमेश पद में समस्त लोकपाल वहाँ किसी कारण से एकत्रित हुए थे तो यमराज जी की पत्नी ने उनका स्वागत किया अतिथि धर्म के अनुसार उनका आप विराजमान होइए वो गए हैं जब तक आते हैं तो आप विश्राम किए जब यमराज जी आए नचकेता जी का परिचय तो आपका क्या स्वागत करें क्योंकि आप धर्म युक्त होकर आए हुए हैं आप कोई अधर्म नहीं किए कोई पाप नहीं किए आप धर्मयुक्त इसलिए हम आपका आदर और सम्मान करते हैं और आप जो चाहेंगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा तुम मेरे अतिथि हो उन्होंने कहा कि हमने ऋषियों के मुख से सुना है आत्मतत्व का बोध बड़ा दुर्लभ है मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं आपके द्वारा वह नहीं 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 तुम इसकी तो बात भी मत करो हां तुम्हें अगर चाहिए तो मैं पृथ्वी का सम्राट पद बहुत काल तक युवावस्था को प्राप्त होकर भोगों को भोगो जो चाहोगे वो भोग शब्द तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे पर तुम ब्रह्मबोध की बात मत करो आत्मविद्या की बात मत करो तुमका भगवान मुझे संपूर्ण मृत्यु लोक का सम्राट पद और भोग नहीं चाहिए देखो सुनो जब आप भगवत प्राप्ति के लिए चलोगे तो या प्रलोभन और या विपत्ति प्रतिकूलता भेजी जाएगी नचिकेता ने कहा आपसे हम एक और प्रश्न करते हैं आप जो मुझे सम्राट पद और भोग देने की बात कह रहे हैं यद्यपि आपकी बात नहीं काटनी चाहिए तो आप क्या बताओ अगर मैं स्वीकार कर लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा मेरी कोई कामना नहीं रह जाएगी मैं कामना रहित हो जाऊंगा तो बोले नहीं 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 ऐसा तो नहीं होगा तुम जो चाहोगे तुम्हें भोग मिलेगा पर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तुम्हारे अंदर तृष्णा बढ़ जाएगी तो फिर आप हमें भुलावे में क्यों डाल रहे बहुत प्रवीण नचकेता जी थे उनका फिर आप इसलिए मुझे मृत्यु लोग का कोई वैभव नहीं चाहिए तो तुम फिर स्वर्ग का राज्य ले लीजिए मैं देवराज इंद्र से कह करके आप जो सुख चाहोगे पर आत्मविद्या के विषय में प्रश्न मत करो तो क्या वहां कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी मैं तृप्त हो जाऊंगा नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता बोले भगवान अब आप परीक्षा न लीजिए मुझे आत्मविद्या के सिवा कुछ नहीं चाहिए तब उनको अधिकारी जानकर अध्यात्म का उपदेश किया बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है उसको ये संसार के वैभव ऐसे संबंध में आते हैं जैसे जिस पैसे का महत्व तो खत्म हो गया है वैसे जैसे पहले 2000 के नोट चले थे अब एक ट्रक 2000 के नोट आपको दिए जाए तो कैसा रहेगा एक पैसे का भी महत्व तो नहीं रहेगा ऐसे ही जो प्रभु के महत्व में स्थित हो चुके हैं उनके नाम गुण महिमा लीला महत्व तो जागृत हो गया तुम्हें व्यवहार में वैसे ही नजर आएंगे पर अंदर से महत्व तो नहीं बिल्कुल महत्व तो नहीं है जहां बुद्धि शुद्ध होती वहीं वो सावधान रहती है अशुद्ध बुद्धि सावधान नहीं रहती अगर सुख प्रलोभन में फिसल गए तो परमार्थ के पथिक नहीं रह गए अगर दुख प्रतिकूलता में डर गए तो कितने ऐसे जन आते हैं जिनको वो कहते हैं मुझे डर लगता है निर्भय मार्ग में डर लगता है और भय वाले मार्ग में तुम निडर होकर बढ़ते चले जा रहे हो कैसी विपरीत बुद्धि है इंद्रियों को तत्काल रोकने में समर्थ होती शुद्ध बुद्धि और ये बुद्धि शुद्ध तभी होती है जब श्री भगवान में लगती है मैं ये मन आदत स्व मई बुद्धि में निवेश है धन्य है वो उपासक जो ऐसी भावना रखता है कि मेरी आंखें मेरे कान मेरी जबान नष्ट हो जाए भगवान के विरुद्ध कुछ बोलूं कुछ देखूं कुछ सुनूं देखो अपने आराध्य देव के विरुद्ध कुछ सुनूं कुछ देखूं कुछ बोलूं तो मेरी जबान कान नाक ये सब किस काम के नाक घृण्री भगवान की पुष्प श्री चरणों में जो चढ़े हुए प्रसादी तुलसी इससे सब पाप नष्ट होते हैं हृदय पवित्र एक एक इंद्री को पावन कर लेता है भक्त अगर भगवत विमुख है तो प्रलयांत वो नाश को प्राप्त होगा बड़ी बड़ी चिंताएं शोक उसे ग्रसित कर लेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं अहो वृंदारण्योज्वल मदन गोपाल वदनो मदन गोपाल श्री लालजो महाराज और मदन मोहन को भी मोहित करने वाली मोहिनी जू ये महासुख प्रदान करने वाली हैं तुम अपने जीवन को इनसे विमुख करके क्यों वंचित हो रहे हो कौन सा सुख चाहते हो अतिशीघ्र मेरी बात मान लो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा अयम मूर्धा त्य सकल यद्धा बुद्धता मुकायाना पंचस्वपि पुरुषार्थेश परमा मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारा जीवन शीघ्र सफल हो जाएगा तुम जो जो चाहते हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा समस्त पुरुषार्थ और पंचम पुरुषार्थ प्रेम भी बस तुम वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामा जी के चरणों की शरण में होकर अपनी जिव्या से राधा 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 क्यों वंचित हो रहे हो क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हो जीवन की सार्थकता जीवन का परम सुख जीवन का परम शांति लाभ प्रियालाल के चरणों का आश्रय प्रियालाल का नाम ये दो बहुत जोर की बात है और यह तभी परिपक्व होगा जब आपका कुशंग त्याग अभक्ष भोजन का त्याग और असत चिंतन त्याग तीन बातें उपासक देखता रहे कुशंग ना होने पावे अभक्ष पदार्थ अंदर न जाने पावे देखा है सादा भोजन हो सात्विक कम मात्रा में हो बहुत भजन होता है ये देखा है और बहुत पकवान वो सात्विक दिखाई दे रहा है वो चाहे खीर पुआ पकौड़ी कचौड़ी सब बहुत दिखाई दे रहा है सात्विक है स्वादिष्ट है भजन आपका वैसे नहीं चलेगा आप देख लेना ये तो पूरे जीवन की बात बता रहे कोई एक दो दिन बार की थोड़ी है पूरे जीवन की बात जब कभी ऐसा अवसर आवे तो जहां चार पाते हो एक या दो से काम चला लो प्राण थोड़ी छूट जाएंगे संयम ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं पाना एक ले लिया हो गया आज इतने में प्राण चलते रहेंगे फिर अनुकूल मिलेगा जब कल या शाम के तो देख लेंगे बहुत सावधानी से एक एक क्षण हमारा भगवान में लगे इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार हो हम वंचित न रह जाए चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग को सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है और सहनशीलता आती है प्रसंग चल रहा है जब यह निश्चय हो गया कि अब युद्ध होगा ही सात तो अक्षोणी के सात सेनापति बनाए गए और उनके ऊपर प्रधान सेनापति अर्जुन जी हुए जब दुर्योधन ने शंखनाद पांचजन्य शंख का नाद सुना समझ गए कि कुरुक्षेत्र में पांडव पक्ष के वीर पधार गए भगवान भी पधारे हैं क्योंकि ये संख ध्वनि श्री कृष्णचंद जी की है तो ग्यारह क्षोणी के ग्यारह सेनापति और उनमें प्रधान भीष्मजी भीष्म जी को जब प्रधान सेनापति के पद पर अभिषिक्त करने की बात आई तो भीष्मजी ने कहा दुर्योधन पांडु कुमार अर्जुन के शिवा पांडव पक्ष में कोई वीर नहीं जो हमारे सामने टिक सके हमारे दिव्यास्त्रों का प्रहार सह सके एकमात्र गांडीव धनुषधारी अर्जुन मेरे सामने केवल टिक सकते हैं अर्जुन मैं चाहूं तो अपने शस्त्र बल से देवलोक को नष्ट कर दूं मनुष्य लोक असुरलोक राक्षसों सहित संपूर्ण सृष्टि को एक क्षण में निर्जीव कर दूं ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पांडवों की हत्या नहीं करूंगा ऐसा समर्थ होते हुए भी और पांडव यदि मुझसे सलाह लेंगे तो मैं उन्हें उचित सलाह दूंगा तुम्हारी तरफ से सेनापति बनूंगा दस हजार महारथियों का रोज रोजबद करूंगा और अन्य सेनाओं का भी संघार करूंगा पांडवों की पर पांडवों को मारूंगा नहीं और जब वो हमसे सलाह लेंगे विजय की तो मैं उनको सलाह भी दूंगा एक शर्त रखता हूं सेनापति तुम्हारा बनूंगा पर पहले कर्ण युद्ध कर ले अगर वो मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा या मैं प्रधान सेनापति बन के युद्ध करूं मारा जाऊं तब कर्ण को बनाना या पहले कर्ण को बना दो मारा जाए फिर हम देखेंगे कर्ण बोला गंगानंदन भीष्म तुम्हारे जीवित होते हुए मैं कैसे बन सकता हूं युद्ध करो और तुम मारे जाओगे फिर मैं सेनापति बनूंगा तदनंतर पुत्र दुर्योधन ने ब्राह्मणों को बुलाकर भीष्म जी को प्रधान सेनापति के पद पर अभिषेक किया उस समय बहुत से बाजे रहे थे वेद मंत्र हजारों भेरिया शंख बजाए गए शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले महाबलशाली भीष्म को प्रधान सेनापति बनाकर दुर्योधन स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मणों को दान दिया और कहा कि आप सब सेनापति अपनी सेनाओं को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंचे दुर्योधन ने एक समतल विशाल भूमि में पहले ही शिविरों की रचना कर ली थी सब सैनिक वहां पहुंच करके अपने अपने शिविर में विराजमान हुए महाराज द्रुपद विराट सात्यकी, दृष्टुम दृष्टकेतु पांचालवीर, शिखंडी मगधराज सहदेव भीमसेन ये जो सेनापति पांडव पक्ष के इनके भी अलग शिविर लगे अपनी अपनी सेनाओं को विश्राम दिया धनंजय गांडीव धनुषधारी अर्जुन प्रधान सेनापति दिव्यास्त्रु के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़े जोते लगाम पकड़ी सारथी की जगह बैठे और अर्जुन को बैठा ला क्या महिमा प्रभु की भक्तजन यही देखकर तो हृदय न्योछावर कर देते इतने महान प्रभु विश्व ब्रह्मांड में दारुक जैसा कोई सारथी नहीं है भगवान का सारथी भगवान उसको आदेश कर देते अर्जुन के सार्थ स्वयं भगवान बने कितना अपने जन से प्यार करते हैं सही कहते हैं वो बड़े लीला बिहारी हैं भेष बदलकर अपने भक्तों की नित्य सेवा करते हैं पर वो भक्त अभी उतनी अपनेपन को नहीं प्राप्त कर पाया तो समझता है कि ये व्यक्ति हमें बहुत प्यार करता है नहीं वो व्यक्ति नहीं है वो मेरा आराध्य छुप कर आया है अपने जन की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए प्रति पल दृष्टि रहती है और प्रतिदिन अपने भक्त की सेवा भगवान रूप बदल के करते हैं इसीलिए धोखा मत खाना कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे समीप सेवा में आया है तुम्हारा प्रभु है अपनी दृष्टि से देखना अपनी दृष्टि अर्थात भागवतिक दृष्टि से सच्ची सच्ची ये महान विनाशकारी समय उपस्थित हुआ धर्मराज युधिष्ठिर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन सब राजा सब वही विराजमान हुए वो अभी विराजमान हुए थे कि देखा मानो कैलाश पर्वत चलकर आ रहा हो गौर्ण वर्ण विशाल काय एक हाथ में हल एक हाथ में मूसल लिए हुए भगवान बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए सब के सब खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर मस्तक रखकर प्रणाम किया बलराम जी को युधिष्ठिर जी के चरण छूते थे प्रभु श्री कृष्ण बड़े हैं तो बलराम जी को मस्तक रखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने भी झुक करके चरण स्पर्श के दाऊ दादा के विराट आदि से बलराम जी मिलकर के बैठे चारों ओर सम्भान बड़े बड़े वीर घेरे हुए हैं थोड़ा रोष दृष्टि से श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं बलराम जी वो जान पड़ता है कि अब विनाश करवा के ही मानोगे बलराम जी के बहुत प्यार करते दुर्योधन से बलराम जी दुर्योधन जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्यार करते वैसे भगवान बलराम जी दुर्योधन से प्यार करते संकर्षण है ना महाभयंकर दारुण नरसंहार होगा केशव बलराम जी भगवान की तरफ देख के कहते हैं पर आपका विधान टाला नहीं जा सकता है ये बड़े इसीलिए बने थे आके रामावतार में जब कभी कोई जहां ऐसा होता कि प्रभु की महिमा पे कुछ तो एकदम जहां वो आवेश में आते तो राम जी कह देते बोले अब आप कभी अवतार लेंगे ना तो हम बड़े बनेंगे आप जब होता है तब बैठा देते बैठो आके जब अब हम बड़े बनेंगे तो बड़े बनकर बलराम जी आए वही लखनलाल जी हैं भगवान महामहिम संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने फण पे एक सरसों की दाने की तरह रखे हुए शेष भगवान किसी की सामर्थ्य नहीं किसो तुम्हारे विधान को हटा सके कोई देखो ऐसे प्रभु के अंदाज़ हैं बलराम जी कह रहे किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपके विधान को कोई हटा सके संदेह नहीं कि यहां जितने एकत्रित हुए हैं सब सबको काल अपना ग्रास बनाएगा मैं एकांत में हूं इस समय बार बार यही कहता हूं मधुसूदन संबंधियों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए पांडवों का पक्षी क्यों दुर्योधन का पक्ष क्यों नहीं लिया कितनी पीड़ा है दाऊ दादा के हृदय में उसकी भी सहायता तो करनी चाहिए आपको वो भी तो अपना है पर मेरी बात तो चलेगी नहीं क्योंकि युधिष्ठिर तुम्हारे पक्ष में है ना अब जो मधुसूदन करेंगे उसी बात में हम भी रहेंगे श्री कृष्ण की बात को हम काट सकें ऐसी बात है नहीं और ये श्री कृष्ण तो केवल अर्जुन पर न्यौछावर कर दिए हैं अपने आप को अब मेरा निश्चय है कि महाविनाश होगा विधिष्ठिर तुम डरना नहीं क्योंकि ये जिसकी तरफ होते हैं विजयश्री वही होती है ध्रुवो जया पांडवाना निश्चिता मती मेरी मति निश्चय कर दी है कि विजय पांडवों की होगी क्यों ये है ना कृष्ण केशव ध्रुवो मति ही परम सत्य विजय ने की यह सुनकर के छाती फूलती है हमारे है ना प्रो जैसे जिसे कोई कहता है कृष्ण हाँ हमारे वाले ना हमारे तो प्रभु है ना हमारे तो जीवन धन है हमारे तो मतलब ये वस्तु बहुत बढ़िया है प्रभु का नाम सुनते लेकिन हमारे प्रभु की महिमा हो रही है ना हमारे प्रभु की वो हमारे मेरा निश्चित विश्वास है कि जिधर श्री कृष्ण है विजय श्री उदारी होती है बेपरवाह हो जाओ हे भारत श्री कृष्ण क्या है ये संपूर्णता से कोई नहीं जान सकता क्योंकि निरंतर अपनी गोद में शयन कराते हैं ये प्रभु को वो कह रहे हैं भारत पांडवों को संबोधन करके महाराज युधिष्ठिर को हमारे श्री कृष्ण को कोई संपूर्णतया नहीं जान सकता आगाध है जैसे समुद्र की था नहीं ली जा सकती मैं तो यह समझता हूं कि त्रिभुवन में कोई ऐसा है नहीं कि श्री कृष्ण की तरफ आंख उठा के भी देख सके इनकी इच्छा के विरुद्ध और मैं भी नहीं देख सकता हूं अतः ये जो कृष्ण करना चाहते हैं उसी का मैं अनुमोदन करूंगा उसी का अनुसरण करूंगा भीमसेन और दुर्योधन मेरे दोनों प्रिय शिष्य हैं दोनों को बराबर गदा युद्ध की शिक्षा दी है दोनों पर मैं बहुत स्नेह रखता हूं इसलिए मैं इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लूंगा और यहां टिकूंगा भी नहीं प्रभु ने कहा हा दाओ दादा तुम तीर्थ यात्रा में निकलो अब ये किसी पक्ष में हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया हुआ आ आप तीर्थ यात्रा करो मैं समझ गया हूं दाऊ दादा ने कहा कि सब नष्ट होने वाला है मैं नहीं देख सकता महाबली महाबाहु बलराम जी अपना हल मुछल अपने परिकर के साथ भगवान श्री कृष्ण को नेत्रों से प्यार दुलार करते हुए तत्काल वहां से चले और तीर्थ यात्रा के लिए गए इधर दुर्योधन जब अपने शिविर में सबको स्वागत करके विराजमान कर लिया तो निश्चित किया गया कि एक दूत भेजा जाए पांडवों के पास तो जुआारी शकुनि का पुत्र उलूक जिसका नाम था उसको पांडवों की छावनी में भेजा गया बहुत ही कड़ुआ बोलने वाला उलूक युधिष्ठिर जी ने देखा आओ स्वागत है तुम्हारा क्योंकि धर्म राज ही है क्या तुम संदेश लेकर आए हो क्योंकि लोभी और अहंकारी और अधूरदर्शी का सेवक अज्ञानी ही होता है तुम्हारा स्वामी लोभी है अहंकारी है और अधूरदर्शी है बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो उलूक ने कहा महाराज मैं अपने स्वामी का संदेश लेकर के आया हूं तुम जुए में अपनी पत्नी भी हार गए इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं थी कि तुम पत्नी को भी बचा लेते इस दशा में तुम अपने को पुरुष मानते हो इस बात में संदेह है मतलब वो बाण वाग बाण बारह वर्ष तक तुम्हें राज्य से बाहर रखा गया निर्वासित कर दिया गया एक वर्ष तक राजा विराट के दास मन कर रहे तुम अपने को पुरुष समझते हो तुम्हें गुस्सा नहीं आया भेजा था संधि कराने के लिए पांच ही गांव दे दो तुम्हें याद वो बातें नहीं जाती तुम्हें क्लेश नहीं होता अरे द्रौपदी जी ने तुम्हें मुक्त करवाया तुम्हारे अस्त्र वापस करवाए तुम्हारे भाई भीमसेन तो बहुत बढ़ करके दुर्वचन बोल रहे थे अब ताकत हो तो आवे और दुशासन का रक्त पान करें आकर के हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में कहा गए तुम्हारे वो दिव्यास्त्र आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं भीष्म का सामना किए बिना कोई ये कह दे कि मैं विजय प्राप्त कर लूंगा तो झूठा तुम सत्यवादी पांडो झूठे हो तुम भीष्म का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखते हो केवल अपने पक्ष में बैठकर बात बनाते हो पुरुषत्व हो तो आओ कुरुक्षेत्र में यहीं से युद्ध प्रारंभ होता है वचन। अर्जुन तुम अत्यंत दुर्जय शूतपुत्र कर्ण को जीत सकते हो क्या शल्य सचिपति इंद्र से भी युद्ध कर सकते हैं तुम कैसे राज्य का लोभ रखते हो इनको हराए बिना और भगवान द्रोणाचार्य जो ब्राह्मवेद और धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हैं, पंडित हैं उनके धनुष से निकले हुए बाण का वहन करने में कोई भी महारथी अतिरथी वीर भी समर्थ नहीं है वो अर्जुन तो उन्हीं के शिष्य हो तो बिना द्रोणाचार्य को परास्त किए तुम कैसे राज्य पा सकते हो अगर द्रोणाचार्य को कोई जीत ले तो मैं समझता हूं कि वायु ने सुमेर पर्वत को उखाड़ लिया ऐसा ही है महावीर है द्रोणाचार्य जी कौन ऐसा है जो जीवित रहने की इच्छा वाला कोई गजराज सवार या अश्व सवार कोई उन कौन ऐसा है जो मेरी गदा की चोट बर्दाश्त कर सकता है दुर्योधन ने ऐसा कहा है भीष्म द्रोण कृपाचार्य अस्वस्था इन बड़े बड़े महावीरों को परास्त किए बिना यह कैसी कल्पना है कि तुम राजा बन सकते हो उलूक बड़े कटुवचन बोल रहा था और बोला श्री कृष्ण आपके लिए भी संदेश है ये जादूगरी ये माया ये इंद्रजाल दूसरों को दिखाकर भयभीत करना ऐसे छल युक्त चेष्टाओं से मेरे स्वामी ने कहा मैं कभी भयभीत होने वाला नहीं हूं जिस समय मैं क्रोध करके सिंहनाथ करूंगा उस समय तुम भी भयभीत हो जाओगे तुम्हारा यह जादू नहीं चलेगा उसको भगवान की महिमा जादू नजर आती है उस है श्री कृष्ण कोई जादूगर है इंद्रजाल जो विराट रूप जो यही दुर्बुद्धि है दुर्बुद्धि है भातिभा के सैन्य सागर के जल प्रवाह में जब अस्त्रों की तरंगे उठेंगी, तो तुम सब पांडवों का विनाश हो जाएगा तुम्हारे सारे भाई मार दिए जाएंगे इस समय तुम्हारे लिए ललकार है जैसे कोई विषर सर्प विष की फुसकार करता हो ऐसे दुर्योधन की कही हुई बातें शकुन पुत्र उलूक ने युधिष्ठिर जी के सामने कही पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि हम तो संदेश भेजते हैं मृदु और ये भेजता है कटु दशार कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा उलूक जाओ तुम अपने स्वामी दुर्योधन से कह देना तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था हो गई तुम जो जो चाहोगे जैसे चाहोगे सब इच्छा पूर्ति हो जाएगी हमने तुम्हारा संदेश सुना और स्वीकार किया उसका अर्थ भी समझा निश्चित प्रातःकाल होते ही तुम्हारा स्वागत करूंगा कह देना तुम अपने स्वामी से कि बस रात्रि व्यतीत होते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा भीम ने कहा अरे मूर्ख शकुन पुत्र अभी उठा के पटक के तेरक चुनाव निकाल देता यह तो कहो कि जीत ऐसी है कि दूध को नहीं मारना चाहिए मेरे महाराज के सामने मेरे प्रभु को भी इतना कड़ुआ संदेश जाओ तुम अपने स्वामी से कह देना कि माता कुंती का पुत्र नहीं यदि दुशासन की छाती फाड़कर कर खून न पीऊं बता देना उसको प्रोत्साहन दूसरों को उत्साहित करता है जिसकी तरफ श्री कृष्ण होते हैं उन्हें किसी और प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती मूरखुलूक राजाओं की मंडली में जाके बता देना सूत पुत्र कर्ण से और शकुन से दुर्योधन से दुशासन से कि अरे दुराचार्यो द्रोणाचार्य कृपाचार्य स्वस्था माया में भी अब तुझे नहीं बचा सकते धर्मराज युधिष्ठिर जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण है आप इनको कोई परास्त नहीं कर सकता बता दे ला जाके काल से प्रेरित होकर समस्त और कौरव सेना निश्चित संघार को प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और जितने भूपाल थे उन सबने शांति और उलूक से कहा जाओ जब वो चला गया तो भगवान ने कहा अब बिल्कुल सेना को तैयार करके युद्ध के समीप ले चलो इधर जी ने दुर्योधन से कहा कि एक तुम्हें बात बता दूं अभी तक पता नहीं होगी तुम्हें मैं मारा जाऊंगा वो यही तो, बल विशेष बल करण और भीष्म द्रोणाचार्य तीन का उसके अंदर था तो उसने कहा महाराज आप ऐसा कैसे कह रहे हैं बोले इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मन कह रहा है मैं जानता हूं ये जो पांचाल राज कुमार शिखंडी है ये देवी अंबा है वही तपस्या के द्वारा सिखंडी के रूप में आई हुई है और मैं कभी स्त्रियों पर बाण संधान नहीं करता वो इस समय जरूर पुरुष रूप में पर मुझे दिखाई देती वो स्त्री अंबा ही जहां ये सामने आएगा मैं धनुष बाण रख दूंगा मैं इसे नहीं मार पाऊंगा और फिर इसी कारण मैं मारा जाऊंगा सारा जगत जानता है कि मैं कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता मैंने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया है और कोई स्वेच्छा से निमंत्रण भी भेजना बंद कर दिया था हस्तिनापुर में जैसे ब्याह स्वयंबर आदि है तो जब मुझे पता चला कि काशी नरेश ने स्वयंबर किया कि जो महाबली हो और सब राजाओं को परास्त करे वही हमारी तीनों पुत्रियों का अपहरण कर ले ये बात जब हमने सुनी तो हम स्वयं वहां गए और उन तीनों का अपहरण करते हुए समस्त राजाओं को परास्त किया पर जब दो तो महाराज विचित्र वीर को ही गई पर अंबा ने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करती क्योंकि महावीर ही मेरा कोई पति हो सकता है आपका अखंड ब्रह्मचर्य का नियम है तो मैंने सालव से प्रेम किया था उसी को वर्ण करती आप बिना पूछे जबरदस्ती उठा लाए तो आप मुझे सम्मान के साथ सालों के पास भेज दीजिए जी ने पूरी व्यवस्था कर दी और कहा मुझे अगर तुम पहले संकेत में ही जिस समय युद्ध हो रहा था राजाओं से उसी समय बता देती तो मैं छोड़ देता आप जाओ ब्राह्मणों को दिया कई दासियों को और सब उनकी व्यवस्था के सहित उस शाल्व के पास गए शाल्व से प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय में जो वार्ता हुई वो आगे चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की